तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे रियल क्रिकेट 20 और रियल क्रिकेट 22 का। तो वीडियो बहुत ज़्यादा जबरदस्त होगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको क्रिकेट गेमिंग रिलेटेड जबरदस्त वीडियोज़ मिलती रहती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आज का लाइक गेम रखते हैं 200 लाइक का, फटाफट लाइक कर देना। अब करते हैं यहाँ पर वीडियो को शुरू। देखो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो, रियल क्रिकेट 20 और रियल क्रिकेट 22 दोनों अलग अलग गेम है, लेकिन कंपैरिजन करना जरूरी है। लेकिन अगर एक वर्ड में बोला जाए तो जो रियल क्रिकेट 22 है ना, वो रियल क्रिकेट 20 का अपडेटेड वर्जन ही बोल सकते हो आप। लेकिन फिर भी कंपेयर करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले रियल क्रिकेट 22 की। तो इसका साइज जैसा कि आपको पता है 569 MB का है, इसकी रेटिंग 4.2 की है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं इसमें। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये 2GB और 3GB में आसानी से चल जाता है, ठीक है ना, बहुत ही ईजिली चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो हो गया जनरल। अब बात करते हैं रियल क्रिकेट 22 की। तो रियल क्रिकेट 22 का जो साइज है, आपको प्ले स्टोर पर देखेगा 507 MB, मतलब 507 MB, लेकिन जब अंदर जाओगे ना आप तो बहुत सारी फाइल्स वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती हैं, तो ये अराउंड 2GB हो जाता है, समझ लो पबजी जैसा, ठीक है ना। तो अराउंड इसका 2GB साइज हो जाता है रियल क्रिकेट 22 का। और इसकी रेटिंग वगैरह अभी फिलहाल आई नहीं है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि ये गेम आप 2GB और 3GB रैम वाले मोबाइल में नहीं खेल सकते हो। इस गेम के लिए आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा डिवाइस चाहिए, जिसमें 4GB या उससे ऊपर की रैम हो। और कई कई तो 4GB वाले में भी नहीं खेल पा रहे भाई, क्योंकि उनका डिवाइस पुराना है, ठीक है ना। तो मतलब समझो एंड्रॉयड वर्जन 5 से ऊपर में आप खेल सकते हो, 4GB वाली रैम होनी चाहिए आपके पास। टूर्नामेंट्स की बात करें तो दोनों के पास टूर्नामेंट है भाई, रियल क्रिकेट 20 के पास भी जबरदस्त टूर्नामेंट्स हैं, 22 के पास भी टूर्नामेंट्स हैं। 22 के टूर्नामेंट्स अभी ओपन नहीं कर पाया मैं, वो एक अलग बात है, लेकिन टूर्नामेंट सबके पास है। रियल क्रिकेट 20 का भी एक अलग ही मजा था, ठीक है ना भाई। अगली बात करते हैं शॉट्स की और बॉलिंग एक्शंस की। भाई आपको पता है रियल क्रिकेट 20 में भी बहुत जबरदस्त शॉट्स थे, मतलब हैं, सॉरी गलती से थे बोल दिया, अभी भी गेम है। तो रियल क्रिकेट 20 में भी बहुत जबरदस्त शॉट्स हैं, बहुत सारे बॉलिंग एक्शन है, इतनी एक्शन से भाई बिल्कुल रियलिस्टिक बॉलिंग एक्शन से जबरदस्त मजा आ जाता है देखकर। लेकिन रियल क्रिकेट 22 में 500 से ज्यादा न्यू शॉट्स हैं भाई, और ये इतने जबरदस्त हैं कि आप कुछ पूछो मत। अगर आप, मैंने आपको बताया था शॉट के बारे में, शॉट मैप के बारे में एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देखो, बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। तो भाई मल्टीप्लेयर आपको दोनों में ही अवेलेबल है, बहुत आसानी से मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी जो डिफरेंस है भाई, सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि बहुत जरूरी भी है, वो है ग्राफिक क्वालिटी। भाई जो रियल क्रिकेट 20 की ग्राफिक क्वालिटी थी उस टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया थी, अभी तक बहुत बढ़िया थी, लेकिन जैसे ही रियल क्रिकेट 22 रिलीज हुआ है तो रियल क्रिकेट 20 की जो ग्राफिक क्वालिटी वो थोड़ी सी फीकी हो गई है, क्योंकि रियल क्रिकेट 22 ऑब्वियसली आगे निकल चुका है भाई। और ये सिर्फ रियल क्रिकेट 20 से आगे नहीं निकला है, जितने भी प्ले स्टोर पर गेम अवेलेबल हैं सबसे आगे निकल चुका है इसकी ग्राफिक क्वालिटी भाई, एक नंबर ग्राफिक क्वालिटी है और बहुत बढ़िया है भाई इसमें, ठीक है ना। और इसमें जो रियल क्रिकेट 20 में आपको ज्यादातर चीजें जो थी टिकट से मिलती थी, रियल क्रिकेट 22 में बताओ यार कैसे मिलती है, ये क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं रियल क्रिकेट 22 की कुछ स्पेशलिटी की, ठीक है ना, समझ जाना आप जो मैं बोल रहा हूं। तो मैनुअल फील्डिंग और कैचेस आपको इसमें मिलते हैं रियल क्रिकेट 22 में, मोशन कैप्चर आपको इसमें मिलता है भाई, शॉर्ट मैप का ऑप्शन भी आपको इसमें रियल क्रिकेट 22 में मिलता है। और अगर आप लोग रियल क्रिकेट 22 में प्लेयर्स के फेसेस वगैरह देखोगे तो वो बहुत रियलिस्टिक और बहुत डिटेल्ड फेसेस लगते हैं, जैसे श्रीलंका के प्लेयर्स का और भारत का कंपेरिजन करोगे तो श्रीलंका के प्लेयर्स का जो फेस है ना वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा वहाँ का टेक्स्चर है, ठीक है ना, वेदर बोल सकते हैं, जैसा वहाँ का वेदर रहता है, जैसे वहाँ के लोग रहते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम फेसेस आपको रियल क्रिकेट 22 में देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर ऊपर से कंपेरिजन करोगे तो इन दोनों का कोई कंपेरिजन ही नहीं है, क्योंकि एक गेम बहुत ऊपर है और एक गेम थोड़ा नीचे है, ठीक है ना। मैं रियल क्रिकेट 20 की बुराई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 5800 से ज्यादा सब्सक्राइबर हुए ही रियल क्रिकेट 20 की वजह से ही हुए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए बुराई नहीं कर सकता, गेम दोनों जबरदस्त हैं। आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये था कंपेरिजन, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय।